गुरुकुल SES के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन संबंधित ऑनलाइन क्लास दिया गया था। इसके बाद हमें YouTube या WhatsApp के माध्यम से लगातार कमेंट आते गए और कहा गया कि सर छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित एक वीडियो लीजिए, उसका एक ऑनलाइन क्लास बनाइए। कुछ बच्चों ने यह कहा कि सर हमें छत्तीसगढ़ के गुप्त वंशों के आगमन संबंधित कठिनाइयां होती हैं, हम समझ नहीं पाते कि छत्तीसगढ़ में गुप्त वंशों का आगमन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का आगमन। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि गुरुकुल SES पिछले एक महीने से YouTube के माध्यम से इतिहास, हिंदी, छत्तीसगढ़ संबंधित कई वीडियो हमारे चैनल में आपका है, तो आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही आदरणीय शुक्ला सर जी के द्वारा जो इतिहास की क्लास ली गई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ भी आपको YouTube चैनल में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब के माध्यम से भी समय समय पर जो विषय वस्तु है या जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसका आप निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में जो ACF का पद आया है उस ACF के पद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें भी जुड़ने का प्रयास करें। जो हमारे यूट्यूब चैनल में लिंक इसका उपस्थित उसका लिंक आपको दिया गया है। यदि आप हमारे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए और बेल आइकन के माध्यम से हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ संबंधित या छत्तीसगढ़ संबंधित कौन कौन सी टॉपिक है जो आपसे नहीं बन पाता, उसे आप हमें बताने का प्रयास करें तो हम उसे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ में गुप्त वंशों का आगमन। ये प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जिसमें नल वंश, वाकाटक वंश को शामिल करके गुप्त वंश के आगमन को बताया जाता है। तो आज अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का आगमन। देखिए, छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश आगमन कैसा हो, छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश क्यों आते हैं, इसको यदि अपन देखें, जैसा हमारे छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में ये ऊपर पड़ेगा आपको यूपी पड़ेगा आपका, उत्तर प्रदेश जैसा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में यहां मिलेगा अपने को गुप्त काल, पाटलिपुत्र में वर्तमान का पटना, वहां पर क्या था आपका गुप्त काल, समकालीन थे ये सब। गुप्त काल के बाद ये नंदीवर्धक या नंदीवर्धन वर्तमान का नागपुर ये कहलाता था पूरा आपका वाकाटक वंश, ये था आपका वाकाटक वंश, ये वाकाटक वंश। और ठीक नीचे वर्तमान का बस्तर का पुष्करी बोलने से वर्तमान का भोपाल पटनम बीजापुर वाला क्षेत्र, पुष्करी भोपाल पटनम बीजापुर वाला क्षेत्र, यहां थे आपका नल वंश। तो यहां पर नल वंश थे, यहां वाकाटक वंश था और वहां पर गुप्त काल था। गुप्त काल छत्तीसगढ़ के राजवंशों में शामिल नहीं है,
गुप्त काल कहाँ का था? वास्तव में बोलने से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना का था, वहां पर साम्राज्य स्थापित था। लेकिन गुप्त काल का आगमन छत्तीसगढ़ कैसे हुआ, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, गुप्त काल बोलने से इनका डेट आ जाएगा आपका लगभग लगभग 240 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक, या लगभग लगभग 600 तक। कौन से आपका भारतीय इतिहास में आप क्या पढ़ोगे? आपका गुप्त काल। तो इसमें भी अपन देखें तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद इसका बेटा घटोत्कच, उसके बाद आपका आएगा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आपका जाएगा रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आपका जाएगा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आपका जाएगा स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद आपका जाएगा भानुगुप्त, आएगा आपका भानुगुप्त। श्रीधरगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त, ये गुप्त वंशों के क्या थे? आपके राजा थे। इसको एक एक चीज को अपन छत्तीसगढ़ के इतिहास के आधार के आधार पर इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन वंशों का या इन आपका राजाओं का छत्तीसगढ़ में क्या इतिहास है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका श्रीधरगुप्त। श्रीधरगुप्त का काल आएगा 240 से लेके 280 240 से कितना आएगा आपका 280 आपका देखा जाएगा, ये आ जाएगा केड़ी, आएगा आपका डोमनी आएगा। 240 से लेके 280 था आपका श्रीधरगुप्त। लेकिन ये श्रीधरगुप्त गुप्त वंश का आपका देखा जाएगा तो आपका संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को कहा जाता है, पढ़ेंगे उसको आगे। तो श्रीधरगुप्त 240 से लेकर 280 तक इसका साम्राज्य काल था, लेकिन यह साम्राज्य मुख्यतः देखा जाएगा तो पाटलिपुत्र तक ही सीमित था, ये कभी भी अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश नहीं किया। तो श्रीधरगुप्त का छत्तीसगढ़ में कोई भी योगदान नहीं रहेगा। उसके बाद उसका बेटा आएगा 240 से ले 280 से लेके 319 ईस्वी तक, कौन रहेगा आपका? घटोत्कच रहेगा। तो 240 से लेके 280 तक श्रीधरगुप्त, 280 से लेके 319 तक घटोत्कच, घटोत्कच का भी कोई योगदान छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। इसके बाद आएगा आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में आपका जाएगा 319 ईस्वी से लेके 319 ईस्वी से लेके आ जाएगा आपका 335 ईस्वी तक, 319 से लेके आपका 335 ईस्वी। तो 319 से लेके 335 ईस्वी ये था आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को महाधिराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त आपका देखा जाएगा तो इसी चंद्रगुप्त के समय ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, इसलिए गुप्त संवत शुरुआत होने के कारण ही चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त का भी कोई इतिहास छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी जो आपका देखा जाएगा जो क्षेत्र था कहां तक सीमित था? आपका पाटलिपुत्र तक सीमित था। तो छत्तीसगढ़ में गुप्त वंशों के आगमन में श्रीधरगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त का कोई भी इतिहास आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके जो कार्यकाल था या इनका जो आपका क्षेत्र था लगभग लगभग पाटलिपुत्र तक ही सीमित था, और पाटलिपुत्र तक सीमित होने के कारण 240 से लेकर 335 ईस्वी तक जो गुप्त साम्राज्य था इसका कोई भी आपको क्षेत्र छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होगा। लेकिन चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त में आएंगे तो समुद्रगुप्त का काल आएगा आपको 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक,
335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, तो 335 से लेके 375 ईस्वी तक जो समुद्रगुप्त था, ये समुद्रगुप्त का इतिहास हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। आइए देखें क्या क्या इसका इतिहास या क्या क्या इसका जो क्षेत्र है इसमें शामिल था आपका छत्तीसगढ़। विशेष स्मित ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समुद्रगुप्त ने विश्व विजय का लक्ष्य रखा था और उस विश्व विजय को जीतने से पहले वो दक्षिण की ओर यात्रा किया। दक्षिण की ओर यात्रा करने के उसके मुख्यतः कुछ कारणों में से आपका जाएगा राजनीतिक विकेंद्रीकरण। आपका देखा जाएगा दक्षिण तरफ आपका मुख्यतः धन संपदा हो गया, ठीक है, आपका सेना, ये सब को उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने किसकी यात्रा की, आपका दक्षिण की यात्रा की। विश्व विजय का सपना देखा था और उसको जीतने के लिए उन्होंने पहले किसकी यात्रा की, आपका दक्षिण की आपका यात्रा की। एक मुख्य कारण आ जाएगा आपका राजनीतिक विकेंद्रीकरण या धन संपदा या सेना को बढ़ाना, ये उनका मुख्य कारण था। उन्होंने किसकी यात्रा की, आपका समुद्रगुप्त ने दक्षिण की यात्रा की। समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण की यात्रा की तो ये रहेगा आपका पाटलिपुत्र, और जब वो दक्षिण की यात्रा करेंगे तो कहां किसे सूत्र हो जाएंगे, आपका छत्तीसगढ़ से होते हुए जाएंगे। तो यदि वो छत्तीसगढ़ से होते हुए जाएंगे तो चूंकि पाटलिपुत्र ये आपका देखा उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे क्या पड़ेगा अपने को, आपका छत्तीसगढ़, इसलिए समुद्रगुप्त की यात्रा वर्णन में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ। तो समुद्रगुप्त ने क्या कहा आपको देखा जाए तो गुप्त वंश में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, तो दक्षिणापथ कहा जाता था। और यदि छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जा रहा है तो उसी समय बस्तर को कहा जाता था महाकांतार, महाकांतार। और इस महाकांतार में शासक था किसका, आपका नंद वंशों का, ठीक है। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट आ गया, एक इंपॉर्टेंट आया कि छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो दक्षिणापथ कहा जाता था। और दक्षिणापथ के साथ साथ ही कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र था, बस्तर से हालांकि बाद में शामिल हुआ कोटपार की संधि के तहत पढ़ेंगे उसको, आपका देखा जाएगा तो काकती वंश में, तो उसके पहले क्या था बोले साहब ये महाकांतार था, और उस महाकांतार का राजा कौन था, आपका नल वंश का शासक व्याघ्रराज, पढ़ेंगे उसको, ठीक। अब ध्यान से देखो, गुप्त काल में दक्षिणापथ ये महाकांता, समुद्रगुप्त ने विश्व विजय का लक्ष्य रखा और उसी इसकी यात्रा सबसे पहले आपका दक्षिण यात्रा की, क्योंकि दक्षिण की यात्रा की तो नाम क्या पड़ गया आपका दक्षिणापथ। अब ध्यान से सुनिए, यदि गुप्त वंश का साम्राज्य का शासक समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है और दक्षिण की ओर यात्रा करने के बाद जब वह किसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वहां का क्षेत्र या वहां का साम्राज्य का जो शासक होगा वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा ही हुआ, जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर यात्रा किया और दक्षिण की ओर यात्रा किया तो उसी समय वाकाटक वंश जो नागपुर से लेकर पूरा महासमुंद तक फैला हुआ था, यहां पर था वाकाटक वंश का शासक महेंद्र सेन। कौन था आपका, महेंद्र सेन, वाकाटक वंश का शासक महेंद्र सेन था। और ठीक इसके नीचे नल वंश था महाकांतर, पुष्करी आपका देखा जाएगा तो इनका आपका क्षेत्र था वर्तमान का भोपालपट्टनम बीजापुर, यहां का शासक था व्याघ्रराज, शासक था कौन सा व्याघ्रराज। तो जब तक इन दोनों राजवंशों से या तो संधि कर ले या मित्रता कर ले या युद्ध कर ले, लेकिन इन्होंने किसको चुना आपका युद्ध को चुना, फलस्वरूप दक्षिणापथ के दो शासक थे महेंद्र सेन जो वाकटक वंश का था और महाकांतर शासक कौन था आपका व्याघ्रराज। इस दोनों से कौन युद्ध किया आपका समुद्रगुप्त, कौन युद्ध किया आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का इतिहास में भी अपन देखेंगे तो समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ की ओर आपका जा रहा था तो वो उसमें वाकटक वंश के शासक महेंद्र सेन और महाकांतर के शासक आपका देखा जाएगा नल वंश के शासक व्याघ्रराज से युद्ध किया था। यह है आपका समुद्रगुप्त का इतिहास छत्तीसगढ़ में, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त का एक भाट कवि था, चारण कवि था हरिसेन, और हरिसेन ने
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उठवाया था, ठीक है। और इस हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किन दो राजवंशों का उल्लेख है, तो हमको बताना है महेंद्र सेन वाकंतर वंश के शासक महेंद्र सेन और महाकांतर या नल वंश के शासक व्याघ्रराज का उल्लेख मिलता है। तो हमको वाकंतर वंश के शासक महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को किसमें बताना है आपने को, छत्तीसगढ़ के आपको देखा जाएगा हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ के दो राजवंशों का उल्लेख है, ये पहला तथ्य। दूसरा, जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण को यात्रा की तो वह युद्ध के या मित्रता या संधि के अवसर पर आया था, या तो मैं युद्ध करूंगा या मित्र करूंगा या यात्रा करूंगा आपका संधि करूंगा, तो वह अपनी सेना लेके आया था। तो जब सेना लेके आया और यदि वह महेंद्र सेन और आपका देखा जाए तो व्याघ्रराज से युद्ध करेगा तो उसे किसी स्थल पर ठहरना पड़ेगा, उसको आवश्यक है कि कहीं उसका ठहराव। और युद्ध किससे करेगा, वो युद्ध कर रहा वाकंतक वंश के शासक महेंद्र सेन से और नल वंश के शासक व्याघ्रराज से, इसलिए वह छत्तीसगढ़ का आपका पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, इस पूर्वी क्षेत्र पर वह 15 दिन का पड़ाव डाले ताकि युद्ध हो सके। 15 दिन का पड़ाव डाला, 15 दिन का पड़ाव कौन डाला, समुद्रगुप्त डाला, समुद्रगुप्त डाला। और ये पूर्वी क्षेत्र बोलने से ये पड़े नीचे धमतरी, ये धमतरी से निकल रहा है महानदी, जो आपको देखा जाएगा तो महासमुंद, आपका महासमुंद और रायपुर के बीचों बीच गुजरते कहां निकल जा रहा है आपका उड़ीसा तरफ निकल रहा है ना भैया, आपको महासमुंद, महासमुंद के बाद बड़ौदा बाजार, बड़ौदा बाजार के बाद आपको निकल जाएगा जांजगीर चांपा रायगढ़ तो उड़ीसा निकल जाएगा। तो ये जस्ट महासमुंद और रायपुर के बीच में भी आपको देखा जाए कौन पड़ाव डाला था आपका, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त ने पड़ाव डाला महानदी के तट पर, महानदी के तट पर। तो समुद्रगुप्त ने महानदी के तट पर पड़ाव डाला, इसलिए महा और समुद्र से जुड़कर नाम बना महासमुंद, जो जिला है यही पड़ेगा आपको पूर्व तरफ। नाम क्यों पड़ा महासमुंद, क्योंकि महासमुंद वर्तमान के महासमुंद महानदी के तट पर, और उसी महानदी के तट पर समुद्रगुप्त ने महानदी के तट पर 15 दिन का पड़ाव डाला, उसी 15 दिन के पड़ाव डालने के कारण ही नाम क्या पड़ा आपका महासमुंद, ये दूसरा तथ्य। तीसरा आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी, रूपा देवी, रूपा देवी, क्योंकि पड़ाव डालना था आपका महासमुंद, नीचे क्या पड़ेगा आपका गरियाबंद जुड़ा हुआ लगा हुआ पर आपका देखा जाए जिला पड़ेगा आपका। तो इनकी पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य भी कहां से मिलता है अपने को आपका, गरियाबंद की कोपरा, गरियाबंद की कोपरा। तो गरियाबंद के कोपरा से आपका देखा जाएगा तो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य मिलना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ के दो शासक वाकंतक वंश के शासक महेंद्र सेन और नल वंश के शासक व्याघ्रराज का उल्लेख मिलना, उसके बाद आपको देखा जाएगा तो दक्षिणा पथ का उल्लेख मिलना, और समुद्रगुप्त ने महानदी के तट पर 15 दिन का पड़ाव डालने के कारण महासमुंद का नाम मिलना, यह हमको ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए आपको देखा जाएगा तो गुप्त वंश का साम्राज्य था, या गुप्त वंश कुछ समय के लिए यहां से होकर गुजरे थे। इसके अलावा देखा जाएगा तो समुद्रगुप्त, हालांकि देखा जाएगा तो गुप्त वंश के सर्वाधिक सिक्के मिले अपने को दुर्ग के बानाबरक से और पिटाई बल्द से, रायपुर का मिलेगा आपको पिटाई बल्द, रायपुर का पिटाई बल्द और दुर्ग जिले का बानाबरक, बानाबरक, दुर्ग जिले का बानाबरक और पिटाई बल्द से आपको अधिक सिक्के मिलेंगे, इसके आपका गुप्त साम्राज्य के। लेकिन कुछ सिक्का पर देखा जाएगा समुद्रगुप्त का, कहां से मिलेगा अपने पास समुद्रगुप्त का आपका जाएगा धनुर्धर सिक्का, धनुर्धर, ये प्रॉपर किसका था आपको देखा जाएगा समुद्रगुप्त का था। तो समुद्रगुप्त का धनुर्धर सिक्का में कहां से मिलेगा अपने पास का बानाबर, धनुर्धर सिक्का, ठीक है। श्याम कुमार पांडे जी कहते हैं कि बानाबर से क्या मिला अपने पास का धनुर्धर सिक्का प्राप्त हुआ है। तो एक प्रकार का आपको देखा गया तो धनुर्धर सिक्का प्राप्त होना, प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख में हरिसेन का उल्लेख, किसका उल्लेख मिलना आपका वाकंतक वंश के शासक महेंद्र सेन का उल्लेख मिलना, आपका व्याघ्रराज का उल्लेख मिलना, कोपरा से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य मिलना,
महासमुंद का उल्लेख होना हमें यह दर्शाता है कि कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ में किनका शासक था, आपका समुद्रगुप्त का क्षेत्र था। यह आ जाएगा छत्तीसगढ़ में आपका समुद्रगुप्त का इतिहास। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद आपका जाएगा रामगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक रामगुप्त और दूसरा जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक आपका जाएगा रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा बेटा था और रामगुप्त का शासन काल था आपका 375 से लेकर 380। ठीक, रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। लेकिन रामगुप्त एक अच्छा बेटा, एक अच्छा शासक या एक अच्छा राजा न होने के कारण इसका शासनकाल केवल 5 वर्षों तक ही रहा। और यह कह सकते हो कि इसी समय शक, आपका देखा जाएगा शक शासक आक्रमण कर रहे थे लगातार उस क्षेत्र में, तो शक शासकों को क्या किया था, अपनी ध्रुव स्वामिनी पत्नी को भेंट कर दिया था। कारण और भी कई थे, लेकिन यह कह सकते हो कि 5 वर्ष के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने स्वयं बड़े भाई रामगुप्त को मारा और लगभग लगभग आप ये कह सकते हो कि 380 से लेकर 414 तक छत्तीसगढ़ में नहीं वर्षी कहा आपका पाटलिपुत्र को शासन किया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय का भी इतिहास अपने छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, बन जाएगा आपका। तो देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले ये देखा कि छत्तीसगढ़ में गुप्त वंशों का आगमन, हमने देखा 240 से लेकर 280 तक कौन थे आपका श्रीधर गुप्त था, लेकिन श्रीधर गुप्त का कोई भी इतिहास छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होगा। दूसरा हमने देखा घटोत्कच, 280 से लेकर 319 घटोत्कच था, लेकिन घटोत्कच का भी कोई इतिहास छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं था, पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। तीसरा आपका जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, 319 इन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन 319 से लेकर 335 तक चंद्रगुप्त का भी कोई इतिहास छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त आएंगे और समुद्रगुप्त का काल रहेगा आपका 335 से लेकर 375, और इस 335 से लेकर 375 के समय ही लगभग लगभग आप ये कह सकते हो कि 350 से लेकर 390 में आपका कौन थे वाकटक वंश का, कौन था आपका नल वंश के शासक व्याघ्रराज थे, महेंद्र सेन थे, इनका पीरियड वही था आपका 350 से लेकर 390 के आसपास, जो श्याम कुमार पांडे कहते हैं। तो इसमें भी कहा जाएगा, तो मैं बता रहा था आपका कि दो शासक महेंद्र सेन और वाकटक वंश के शासक महेंद्र सेन और कौन आपका व्याघ्रराज, इस दोनों से युद्ध किया, नाम क्या था आपका दक्षिणापथ था, दोनों से युद्ध किया, इसमें उल्लेख मिलता है हरिसेन की प्राय प्रशस्ति अभिलेख में। दूसरा, युद्ध करने के लिए उन्होंने महासमुंद पर 15 दिन का पड़ाव डाला, महानदी के तट पर डाला, समुद्र गुप्त डाला, तो नाम क्या पड़ गया आपका महासमुंद। तीसरा, ठीक पीछे पड़ेगा गरियाबंद, गरियाबंद के कोपरा में रानी रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये तीसरा आपका उल्लेख। इन सब उल्लेखों से यह प्राप्त होता है कि छत्तीसगढ़ में समुद्र गुप्त कुछ इतिहास था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इसके बाद क्या जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त का इतिहास छत्तीसगढ़ से कैसे प्राप्त होता है। दूसरा चीज आपको देखिएगा, यदि आप छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा विषय जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, किसी भी चाहे जनजाति से हो, चाहे खनिज से हो, चाहे उद्योग से हो, तो कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया दें, उसी प्रतिक्रिया के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।